वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो भाई एक और नया मॉन्स्टर रेडी हो चुका है, बहुत ही प्यारा गाड़ी। आप अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो पूरा जरूर देखें। और भाई आपको कुछ भी डिटेल चाहिए ना जीप के बारे में तो हमारे नंबर 8199061161 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले शानदार गाड़ी का वॉकराउंड वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये शानदार बीस्ट? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपके कुछ भी सजेशन है या फिर कोई क्वेश्चन है नीचे जरूर लिखें, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। और भाई जो नए फ्रेंड आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन में ऑप्शन दबा दें, फिर ही आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा मॉडिफाइड जीप्स के बारे में। बाकी जैन मोटर जीप के नाम से हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल है तो वहां पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पे क्या होता है जैसे ही हम ये वीडियो शूट करेंगे ना मैं लाइव आऊंगा हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम का जो फुल वीडियो है ना वो आएगा आज से लगभग 15 दिन बाद, लेकिन लाइव में आप साथ के साथ वीडियो देख सकते हो, साथ के साथ गाड़ी देख सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ वहाँ पे जरूर जुड़ें, और रील्स और फोटोज वगैरह भी वहाँ पे आती रहती है। तो जैन मोटर जीप के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शानदार गाड़ी की ऑनरशिप डिटेल के बारे में। दोस्तों ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर अबू नाचीर जी, जो कि हैं कमल नगर त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में भी हमारा गाड़ी जा रहा है भाई, ऑनलाइन ऑर्डर किया था नाचीर भाई ने, तो वहाँ पे उन्होंने हमारा वीडियो देखा, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे आना उनको पॉसिबल नहीं था तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 99% हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर ही आते हैं। तो त्रिपुरा में उन्होंने वीडियो देखा और बोले कि भाई मेरे को इस टाइप का गाड़ी चाहिए, मॉन्स्टर बीस्ट, और भाई इन्होंने फीचर जो लगवाए हैं वो बहुत ही शानदार हैं, आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। पहले अपना बजट बनाएं, अगर आपका बजट 4,50,000 रुपये रेडी हो चुका है तो देर ना करें, कॉल करें हमारे नंबर 8199061161 के ऊपर। तो यहाँ पे आप अपना पसंदीदा मॉडल, जो आपको गाड़ी पसंद आया उसका स्क्रीनशॉट भेजें, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको उसका डिटेल पूरा बता दिया जाएगा, फिर एक्स्ट्रा फीचर जो लगते हैं वो भी समझा दिए जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स लगवाने हैं तो वो 4,50,000 में एड ऑन हो जाएंगे, ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। उसके बाद आप डील डन करके अपने फीचर्स वगैरह पूरे बता के फिर आप ऑर्डर कर सकते हो, और पैसा डालने से पहले एक बार मेरे से वीडियो कॉल पे बात करके जरूर कंफर्म कर लें, क्योंकि ये ना हो भाई हमारे नाम से कोई और चैनल हो या हमारे नाम से कोई आपसे धोखाधड़ी हो जाए। तो आप एक बार कंफर्म करें। दूसरी बात दोस्तों, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है ना यही है 8199061161, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। तो आपको पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा जब आप इस कॉल इस नंबर के ऊपर कॉल करोगे, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो नाचीर भाई ने भाई सबसे पहले बात करें इस गाड़ी के बम्पर के बारे में, वही मस्तैज बम्पर, ऊपर जो लाइटिंग लगवाई है इन्होंने नॉर्मल है। देखो दोस्तों मैं आपको पहले बोलता हूँ, बाद में आप ब्लेम ना किया करो भाई लाइट खराब होगी, आप अगर ये लाइटें लगवाते हो ना तो इसके ऊपर जंग भी आ सकता है, क्योंकि ये लाइटें चाइनीज होती हैं, हम शो के लिए लगाते हैं, ये यूज़ के लिए उतनी बढ़िया नहीं होती, आपको यूज़ के लिए चाहिए लाइटिंग। तो आप यहाँ पे HD हैवी ड्यूटी लाइट लगवाएं, उसके लिए आपको थोड़ा चार्जेस जरूर पे करना पड़ेगा, आप हमारी बात सुना करें जैसे हम बोलते हैं, बट कुछ कस्टमर मान लेते हैं कुछ नहीं मानते, या फिर भाई बजट नहीं होता तो मैं उसके बारे में बात नहीं करता। लेकिन अगर आप इतना बड़ा गाड़ी ले रहे हो 2,000-5,000 की क्या बात है, तो जो जो चीज़ें अच्छी है ना तो वो जरूर लगाया करो। तो जैसे यहाँ पे ये लाइटिंग है ना, यहाँ पे HD लाइटिंग लगवानी चाहिए ताकि इसके अंदर खराबी ना आए, बाकी इसके अंदर पानी भी पड़ सकता है। तो मेरे पास एक कस्टमर का मैसेज आया कि भाई इसमें थोड़ा पानी चला गया, और पीछे जो बलैरो की टेल लैंप लगती है ना उसमें पानी चला गया। तो मैं आपको पहले ही बोलता हूँ भाई इसकी उतनी प्रॉपर कवरिंग नहीं हो पाती जो ये बलैरो की लाइट होती है। अगर आपको इस टाइप का जो चीज़ नहीं चाहिए तो आप LED जो टेल लैंप लगवा सकते हो, बलैरो की मत लगवाओ कोई फायदा नहीं है, आप LED लगवाओ, इसमें थोड़ा बहुत इशू आता ही रहता है जो पानी वगैरह का।
यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट्स है, यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर है। देखो ये एलईडी इंडिकेटर है, इसमें प्रॉपर जो है ना पूरी फिटिंग की होती है, इसके अंदर भी नहीं पानी जाता, बहुत रेयर ही चांस है, बट फिर भी हम अपनी तरफ से बेस्ट लगाते हैं। बाकी भाई कलर ब्लैक करवाया है नाचीर भाई ने, और ऊपर स्कूप बोनट लगवाया है, हल्के फुल्के स्टिकरिंग लगवा लिया है। देखो हल्के फुल्के स्टिकर ही अच्छे लगते हैं, अगर ज़्यादा भर देंगे ना गाड़ी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। और टायर मॉन्स्टर लगवाए हैं। देखो मॉन्स्टर टायर मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि भाई बाद में आप ये मत बोला करो गाड़ी कंफर्टेबल नहीं चलता, स्मूथ नहीं चलता, टायर बहुत आवाज़ करता है, हर चीज़ आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। मॉन्स्टर टायर सिर्फ लुक के लिए, आप 10-20 किलोमीटर चलाना चाहते हो तो फिर उसके लिए बढ़िया है, कच्चे रास्तों के लिए बढ़िया है, लेकिन कंफर्टेबल स्मूथनेस वो इसके अंदर नहीं आएगी। हार्ड टायर होता है और बहुत ज़्यादा वाइड है, अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे तो इसका जो साइज बाहर होने के कारण कीचड़ भी अंदर आ सकता है। हाँ लुक भाई इसके बराबर कोई टायर नहीं, लुक तो इतना जबरदस्त, जब गाड़ी चलता है ना तो पता है जैसे टैंक कोई आ रहा है, तो इतना ज़्यादा बढ़िया फील होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो चीज़ आप सजेशन लोगे तो वो आपको अच्छा रहेगा गाड़ी के लिए। आगे इंटीरियर की बात करें दोस्तों, इंटीरियर इसके अंदर जो लगाई है ना सीट्स, वो चेक बॉक्स में लगाई गई हैं। आपको हमारी किसी भी गाड़ी में सीटिंग लगभग अलग ही मिलेगी, ये नहीं है भाई चेंज हो जाएगा कोई, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कई कस्टमर बोलते हैं कि भाई नहीं आप यार ऐसा ही लगाओ मेरे को अच्छा लगता है, तो फिर हम ऐसा लगा देते हैं, नहीं तो हमारा होता है कुछ ना कुछ अलग करें। तो साउंड सिस्टम इसके अंदर लगाया है डबल बूफर, भाई इसका आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, आप यानी कि जब गाड़ी चलाओगे ना दूर 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 तक इसका आवाज़ आता है, डबल बूफर साउंड का मजा ही इस टाइप की गाड़ी में है। बाकी आप इतने बड़े टायर लगवा लोगे ना तो आपको डबल बूफर साउंड ही चाहिए, क्योंकि इसका साउंड बहुत होता है, तो डबल बूफर ना हुआ तो भाई फिर गाड़ी चलाने का मजा नहीं आएगा, साउंड टायर का बहुत ज़्यादा अंदर आने लग जाता है, तो थोड़ा सा कानों को अच्छा नहीं लगता। तो पाटा सिस्टम में ही ये गाड़ी बनवाया है, सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगवाया। देखो अपने अपने बजट की बात होती है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप लगवाओ, बट मैं प्रेफरेंस देता हूँ सस्पेंशन सिस्टम को, सस्पेंशन सिस्टम लगवाओगे तो बहुत बढ़िया है। रियर की बात करें दोस्तों, रियर जो लगाई गई है बलेरो की टेल लैंप, भाई मेरे को ब्लेम मत करना, जो नाचिर भाई आपने बलेरो की टेल लैंप लगवाई है, इसमें कभी कभार पानी आ सकता है, बाकी 500-700 रुपए की लाइट होती है जे, आप इजीली चेंज कर सकते हो अगर इसके अंदर कोई पानी वगैरह आया तो। बाकी इसके अंदर रियर जैक लगा दिया गया है, पीछे इन्होंने लगवाया है अलॉय व्हील। देखो दोस्तों अलॉय व्हील लगवा लेते हो आप मॉन्स्टर टायर के अंदर तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ सिर्फ रिम आते हैं, चार रिम और चार टायर, आप फिफ्थ अलॉय व्हील लगवाओगे तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। प्लीज़ कन्फ्यूज मत होएं, जो भी चीज़ है ना डिटेल पहले ही ले लें, मैं नहीं चाहता यार मेरे किसी कस्टमर के साथ कुछ रिलेशन फर्क पड़े, कुछ डाउट रहे, हर डाउट क्लियर करो यार, पैसा आपने देना है, ये ना हो भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए, ठीक है। तो आज पूरा आपको गाड़ी दिखा दिया, होपफुली सारे पॉइंट डिस्कशन हो गए। तो प्राइस की बात करें तो दोस्तों नाचिर भाई ने मना किया है कि मेरी गाड़ी का आपने प्राइस नहीं बताना, नहीं तो मैं आपको बता देता, बाकी आपको एस्टिमेट तो पता ही है कितने तक का गाड़ी आ जाता है। तो फिर भी चलो उनकी खुशी थी, उनकी बात थी कि भाई मेरी गाड़ी का प्राइस मत बताओ, तो हम इसीलिए बता नहीं रहे, बट गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस 4,50,000 रुपए है, उसके बाद आप चाहे 10 लाख तक चले जाओ, 12 लाख तक चले जाओ, तो वो आपके ऊपर है भाई कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो गाड़ी के ऊपर। जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही मजा आएगा गाड़ी चलाने में भाई, उतने ही फीचर्स आएंगे, उतना ही लुक बढ़ेगा और ड्राइव करने का एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा होगा। तो भाई आज के पॉइंट सारे क्लोज, और वीडियो करेंगे नेक्स्ट में बातें, जो भी आपका सजेशन है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों जल्दी कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।